विकास क्षेत्र रुधोली में बस्तीवासी मार्ग पर नेशनल हाईवे द्वारा विगत डेढ़ साल पहले डबल आर्म वाले स्ट्रीट लाइटों से सजाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका संचालन नहीं हो सका। लेकिन स्थानीय विधायक संजय प्रताप जायसवाल व नगर पंचायत अध्यक्ष सुधीर सेन निषाद के लगातार पत्राचार द्वारा आश्वासन मिलने पर देर रात्रि में चालू किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक संजय प्रताप जायसवाल द्वारा कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य लोगों को पत्राचार के माध्यम से नेशनल हाईवे पर लगी लाइटों के संचालन हेतु पत्र जारी किया गया था, जिसके बाद नेशनल हाईवे के उच्चाधिकारी द्वारा डबल आर्म स्ट्रीट लाइटें चालू करा दी गई, जिसके बाद स्थानीय जनता में काफी खुशी देखी गई। इस मौके पर लोगों द्वारा स्थानीय विधायक का मुंह भी मीठा कराया गया और धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद स्थानीय विधायक ने विद्युत कर्मचारी को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीण व अन्य नेशनल हाईवे की लाइटों को यथाशीघ्र चालू कर बढ़ रही घटनाओं को रोकने को कहा। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि विजय पांडे राजू, किसान संघ जिलाध्यक्ष महेन्द्र सिंह, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, दीपक सिंह, शशांक रावत, दुर्गेश सोनी, रवि जायसवाल, राम मनोज सिंह, असलम नंदलाल, राजकुमार चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। जैसे मैं चाहूंगा कि हम सब क्षेत्रवासियों का आज के इस अवसर पर माननीय विधायक जी मार्गदर्शन करें। अरे यहाँ से थाना मंदिर तक पैदल चलिए, हो जाए ठीक। ये विषय तो काफी दिनों से फंसा हुआ था कि बिजली लग तो गई, जल नहीं रही। बिजली लग रही थी और जल नहीं रही थी, आज जल भी रही। ये सौभाग्य का पल है रुधोली वासियों के लिए, जो सुविधा स्ट्रीट लाइट के रूप में नेशनल हाईवे जिसकी ये सड़क है उसके सौजन्य से ये व्यवस्था भी है। तो ये पूरी परियोजना में केंद्र सरकार का योगदान है। तो इसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण धन्यवाद बनता है हमारे मोदी जी को, उसके बाद हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को, उसके बाद हमारे सांसद जी को, उसके बाद ये प्रयास था कि यहाँ के जो विभागीय अधिकारी गण हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि लाइट जो है चालू हो जाए, लेकिन कनेक्शन में दिक्कत थी। पिछले महीने मेरी वार्ता हुई थी इसके जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि हम सितंबर के हर हाल में इसे चालू करवा देंगे। तो वो प्रोजेक्ट इंचार्ज मिस्टर वैश के सभी अधिकारी, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ कि ये योजना जो रुधोली निवासियों के लिए तैयार थी आज क्रियान्वयन के रूप में चालू हो गई है।